छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ओ भाई साहब, आज दूसरी बारी से मेरे ऊपर अटैक करा। देख ना भाई, चारों तरफ से घेर लिया बेचारा। देखो भाई, दोनों दोनों कैसे जोर लगा रहे। अरे रोक तो, अटक गया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल टिकटॉक एंड। और गाइस, पीछे हमारे आज सब्सक्राइबर आते, सबसे पहले भाई सब्सक्राइबर से मिलवा दिया। और गाइस, कोको हमारी ये घूम रही है आज भाई। जब मैं सोकर उठाना या भाई अपने टायर में लगी पड़ी थी या भी। और गाइस, रोक भी दोनों को, दोनों भाई टायर में लगे पड़े। कल भाई अपना टायर लेकर आई थी ना ऊपर, या भाई कल चुपके से अपना टायर उठा ले। आज भाई सुबह के टाइम दोनों लगे पड़े थे। और गाइस, टायर दिखाता हूं फिर भाई, मैंने कहां पे फेंका हो। ये देखो भाई, वो पड़ा सामने इस वाली छत पे, क्योंकि भाई मैं तो नहीं घूघू सुन कहीं उठा। ये भाई ग्रिप लगाते हुए घूघू कर रहे थे ना। एक से देखो भाई कैसा लोट पोट रहा। देता हूं भाई, अभी ना खाना वाना खाना मांग रहा मेरे से। उंगली मत खावे मेरी। सामने भाई डॉग के केज पे देखो भाई, जंग लग गया बिकॉज भाई बारिश में रह गया था ना बाहर। तो गाइस, आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में कौन से कलर का पेंट करूं। तो गाइस, अभी अपनी इस वाली छत पर आया था, ये भाई इनका टायर पड़ा। काम देखता हूं भाई कितना कंप्लीट हो गया। मैं तो भाई से इंतजार में हूं भाई, कब मेरी छत रेडी होगा, कब मैं यहाँ पे भाई डॉग्स को छोड़ दूं। ऊपर मौसम देखो भाई कितना कड़ा हो रहा, आज फिर से भाई बारिश आ सके, क्योंकि भाई दो तीन दिन से लगे टिप टिप हो रही। बस भाई तीन चार दिन बारिश ना आए तो अच्छा, हमारा भाई काम हो जाएगा, समझ रहे हो। अभी ना नीचे लेकर आ गया। और गाइस, को देखो भाई आते टायर देखने लगी, रहा नहीं जाता। इस वाले टायर का हिस्सा यहाँ पे पड़ा ना, ग्रिप लगवाऊं। तो गाइस, ग्रिप लगवाते हो इनकी बच्चे करे, वरना भाई को ऐसे ही परेशान हुई रहेगी। एक ग्रिप इस वाले टायर में लगवाते, थोड़े बड़े टायर में लगवाते हैं। बट भाई वाला टायर तो गंदा हुआ पड़ा, कोको तो भाई लगी सी भाई। कोई नहीं भाई, तो ग्रिप लगा लगा साफ कर लेंगे, मिट्टी का ही तो हो रहा बस। बट भाई ना उस साइड को लेकर चलता हूँ, यहाँ पे भाई क्या पता चोट वगैरह लगवा ले। कोको में तो कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट है ग्रिप लगाने को, देखना भाई कैसा लगी पड़ी। रोक्सी भी लगी भाई, सोच रहा कोको की थोड़े दिन ट्रेनिंग करवाऊंगा। वैसे भाई ज्यादा ट्रेनिंग तो करवाने का नहीं, बिकॉज भाई गर्मी आ गई, क्योंकि भाई कोको की जवानी वाली है, इस वजह से इसके अंदर बहुत एनर्जी है। कुछ भाई है ही अलग चीज, इसके भाई सारे के सारे कारनामे ही अलग है। कभी कभी तो भाई ऐसा लगा कि यार कुछ अलग ही बना रखी है भगवान ने, क्योंकि भाई इसका बस चले आग में ग्रिप लगाने लगे। एक दो दिन पहले वाले व्लॉग में देखा भी आग में ग्रिप लगा रही थी। अब भाई सोच रहा कोको को आज दीवार पर चढ़ना सिखाता हूँ, देखता हूँ भाई दीवार पर चढ़े क्या। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग से आज भी दे दूं, ये मानो आज इसका फर्स्ट डे है। बट भाई उससे पहले नहीं ग्रिप हटवानी पड़ेगी, जो कि भाई सबसे मुश्किल काम है। रोक की तो भाई तुरंत हट जाएगी, बट भैया कोको बिल्कुल पागल हुई रहा ग्रिप लगा के, फिर ना भैया किसी की भी सुनती। तो गाइस, एक बार इनकी ऑफ कैमरा ग्रिप हटवाता हूँ, फिर मिलता हूँ। फाइनली हटवा दी ग्रिप, और गाइस बहुत मुश्किल से हटवाई यार। रोक के बच्चे रोक तो गुलाटी मारे टायर उतारती। तो गाइस, अब इनके दोबारा से ग्रिप हटवाता हूँ, इस बार रोक को पहले मना कर दूंगा। इस रोक की तो हटवा दी ग्रिप, अब भाई कोको को हटवाता हूँ, देखना भाई अकेली भी लगी पड़ी। रोक नहीं, नो नो। और गाइस, कोको की आंख देखो बिल्कुल लाल हुई पड़ी, ये देखना भाई इसकी आंख। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ओ भाई साहब, शाबाश बेटा, ये तो एक ही झटके में लेगी उतार के। और गाइस, अचानक से भाई सिम्बा ने टेंशन दे दी, बिकॉज भाई ने उल्टी कर दी। वैसे तो भाई नॉर्मल करी उल्टी, बट भाई उल्टी करते ये डर लगने लगा कि कहीं पारो वगैरह ना गया हो, क्योंकि भाई दोबारा से पारो वायरस का सीजन चल गया। हमारे गाँव में दो तीन केस आ लिए, मौसम खराब हो रहा ना, इस वजह से भाई थोड़ा बीमारी चल पड़ी। तो गाइस, आगे इन सबको लेकर ऊपर। और गाइस, सब सोच रहा रोक की थोड़ी मालिश करता हूँ सरसों के तेल से, क्योंकि भाई के पैरों में बहुत आराम लगा मालिश करने से। आज भाई फिर से मालिश करता हूँ इसकी। तो गाइस, खाना वाना तो रख दिया सब डॉग्स को, अब भाई चिंटू का रहेगा। चिंटू को देखाता हूँ बाहर गली में, आज भाई वो अंदर नहीं आ दिया भाई चिंटू डोन को भी। सोच रहा कोको को खेत में लेकर चलता हूँ, बिकॉज भाई मुझे खेत में थोड़ा काम है। सोच रहा भाई अपने साथ कोको को भी ले जाऊँ। कोको ने देखो भाई रस्सी में ग्रिप लगा लिया, कोको की बच्ची आना ग्रिप लगा हुआ। छोटी से छोड़ छोड़ छोड़, मेरी उंगली ना पकड़ ले, छोड़ कोको नहीं। और गाइस, इसी जगह पैसे ने मेरे मुंह बुड़का भरा था, याद आ गया भाई मुझे। आज फिर वही दिक्कत होगी जो भाई उस दिन हुई थी, आज फिर से भाई कोको ने मेरा दांत मार दिया पैर पे। क्या बोला तूने? मैं तो भाई रस्सी पे से ग्रिप हटवा था, इसने भाई गलती से आज एक और दांत फेल दिया मेरा। ये देखना भाई क्या हाल कर दिया, ज्यादा भाई इस वजह से नहीं दिखा रहा, क्योंकि भाई यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, खून खराब नहीं दिखा सकते। वैसे तो भाई ज्यादा खून खराब हुआ नहीं, बट भाई फिर भी दांत तो मार दिया इसने। आज दूसरी बार इसने मेरे ऊपर अटैक करा, पब्लिक भी नहीं कहूंगी कि तारे कुत्ते तारे काटे, बट भाई आज फिर से ऐसी गलती नहीं थी। इसके अंदर थोड़ा ज्यादा बचपन आया, रोक तो भाई देखो मेरे कहते तुरंत हट जाए, बट भाई जब कोको ग्रिप लगा लेना किसी चीज पे या भाई बहुत मुश्किल से छोड़ दे। इसके अंदर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाए एकदम से ग्रिप लगाने को, भाई फिर आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, समझ रहे हो। बट भाई चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत ही दांत लग रहा है, इतने तो भाई लगते रहे। अभी सब आप इसे लेकर चलते हैं, और गाइस चल के अपना दवाई वगैरह लगाऊंगा। सही कह रहा भाई, पहली बार भी यही भाई अटैक करता इसने मेरे ऊपर, इस बार भी यही अटैक कर दिया। और गाइस बाइक पर बैठ कर देखो भाई कितना ज्यादा एग्रेशन कर रही है आज, या पता नहीं भाई क्यों कर रही है, या तो भाई साहब घर जाने का मन नहीं है, या फिर भाई कुछ कहना चाह रही है। कोको क्यों इतने जोर लगा रही, कहना क्या चाहते हो? बस बस कोको बस बस, चला चला बाइक चला तू, बाइक चला बस, अरे बस कोको बस। तो गाइस अभी बहुत मुश्किल से ले गए इसे, वरना भाई डॉग्स को देखकर पूरी पागल हो गई थी। आगे की जगह पे पीछे बटाना पड़ेगा, वरना भाई कूद का भाग जाती। एक बार हाथ में आ जाए घर आते ही देखो भाई दोनों दोनों कैसे लेट गए आराम से। तो गाइस सिम्बा को देखो भाई कैसे एग्रेशन कर रहा है, बाहर से भाई चेरी आ गया ना, सिम्बा भाई पूरी तरह से एग्रेशन कर रहा, आ जान दे आ जान दे। गाइस इन्हें सबको बाहर लेके चलता हूं, वरना भाई कन्नो मदद कर देंगे भोक भोक के। सिम्बा भोक रहा भाई सबसे ज्यादा, जाल लिए भाई सारे के सारे जाल लिए बाहर। और भाई छोटे पैकेट देखना भाई, सिम्बा कैसे देख रहा है छोटे पैकेट को। और गाइस चेरी है इसका नाम, सभी लोग जानते होंगे। इस साइड से भाई हमारा चिंटू डॉन भी आ गया। सिम्बा तो भाई इसके ऊपर एग्रेशन कर रहा, देखना भाई कैसे भोक रहा, नु कह रहा कौन है तू, इसे एक काम कर नीचे छोड़ दे, देखते हैं भाई क्या करेगा। वैसे तो भाई मुझे पता अटैक वटैक नहीं करने का, वैसे ही भोक रहा मस्ती मस्ती में।
सारे के सारे आगे भाई देखो कार्रवाई कर रहे इसकी कि कौन है तो छोटा सा देख ना भाई चारों तरफ से घेर लिया बेचारा। और गाइस अगर एक बार भी किसी ने अटैक कर देना इसका तो भाई एक बार के मैं काम था मामू हो जाएगा खत्म। बट भाई कोई सा भी कुछ नहीं कहने का क्योंकि भाई छोटा हो गया ना फिर ओके कमर के बाल सीधे हो गए कमर के बाल सीधे इसके जब भी हो जब भाई अटैकिंग मोड में आवे क्या बोला तूने देखना भाई तुरंत गोद में ले लिया इसने अरे मजाक कर रहा काटने का ना अगर अटैक करना होता कर देता अब तक तो। सिम्बा को देखो भाई कैसे चेक कर रहा है सब बार बार सिम्बा ने तो भाई भोक भोक का कानों में दर्द कर दिया था एकदम से मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया। फेस देखो भाई कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है इसका छोटे पैकेट को अंदर लेके आगे और गाइस ने देखो चारों तरफ कैसे बैठ गए इसके रोक तो बिल्कुल गोद में चढ़ गया यो भी बेचारा कहता होगा कहां आके फंस गया मैं कोको तो भाई काट भाई चढ़ गई। और गाइस चेहरे की जीभ देखो भाई ध्यान से इसकी जीभ भाई मुड़ रही है मैंने तो अभी नोटिस करी वैसे तो भाई ने ब्रीड की शायद मुड़ी रहती होगी बट भाई है कि क्यूट लग रहा देखना भाई कितना अच्छा लग रहा छोटा सा नाक तो भाई इसकी दिख नहीं रही कहां है सब एक बार नहाता हूँ फिर भाई इन सबको घुमाना लेकर चलेंगे चेरी के साथ आई मीन छोटे पैकेट के साथ बड़ा धमाका कर रहे हैं खेत में जाकर। तो गाइस अभी ना दो गोल सेट और गाइस पीछे हमारे सब्सक्राइबर आ रहे सामने भाई को देखो भाई क्या कर रही ऊपर भाई टायर रखा ना टायर को देख रही ओको क्या करना चाहे उसके साथ नो कह रही बस एक बार नीचे नीचे तो दे दो बट भाई आज सुबह से ग्रिप ग्रिप लगा रही और ज्यादा ग्रिप नहीं लगवाता इसकी क्योंकि भाई ऑफ कैमरा भी काफी देर से लगी पड़ी थी आज अब भाई ना खेत में घुमाने लेकर चलेंगे। और गाइस कोको जंप कर रही बार बार देखो भाई ओए ओए गिर गई वैसे भाई अगर मैं इसकी प्रैक्टिस करवाना चाहूँ ना तो गाइस मैं इस दीवार पे चढ़ा सकूं देख लो भाई कितनी ऊंची दीवार है तो गाइस कमेंट में बताना कि इस दीवार पर चढ़ना सिखाऊंगा अगर भाई बढ़िया से लाइक आ गई तो गाइस एक हफ्ते के अंदर इस दीवार पर चढ़ना सिखा दूंगा। अच्छा अगर एक मिलियन लाइक आ गए तो मैं एक मिलियन तो व्यूज ही ना आते देखो भाई दोनों कैसे जोर लगा रहे हैं अरे रोक तो अटक गया गया सारे बरंगे बरंगे सब नीचे गिर दे ये भाई चोट लगवा लेंगे ना लगे लेके चलता हूँ रोको मान जा। और गाइस इसकी बात ध्यान में रखना अगर भाई एक मिलियन तो नहीं बट भाई 10,000 लाइक आ गई 10 नहीं अगर भाई 15,000 लाइक आ गई तो गाइस इस दीवार पर चढ़ना सिखा दू देख लो भाई इस दीवार की हाइट कितनी है और गाइस कोको की हाइट कितनी है। और गाइस मैं तेरे कॉन्फिडेंस इस वजह से बोल रहा क्योंकि भाई मुझे कोको पर थोड़ा भरोसा है और गाइस थोड़ा सा भरोसा मुझे खुद पे भी है कि हाँ मैं सिखा सकूं क्या होगा ऊपर से डिगे थे क्या कोको चढ़ सका क्या तू यहाँ वैसा भाई रोक तो चढ़ जावे था पहले अब तो भाई थोड़े पैरों में दिक्कत आ रही चलता हूँ भाई अभी ना खेत में लेकर सोच रहे रोक और छोटे पैकेट को बाइक पे लेकर चलते हैं नीचे उतर भाई रोकू जा लिया भाई नीचे। और गाइस कोको को इस वजह से लेगा क्योंकि भाई थोड़ी देर पहले आई थी जब उसने भाई मेरा बुड़का भरा था आज मेरे हाथ में देखो भाई मेल डॉग है और गाइस सामने रोक भी है फर्स्ट टाइम ही ऐसा हो रहा है किसी मेल डॉग को कुछ नहीं करा क्योंकि भाई हो ही इतना छोटा गया अब भाई सा खुला छोड़ दे रोक के साथ खेल लगा छोटा सा लग रहा भाई रोक के आगे तो लाता हूँ भाई अभी ना अपने खेत तक घुमा गए ओए भाग गया वो तो भाई भाग गया देखना भाई कहाँ जा लिया इसका ओनर उसके पीछे पीछे जा रहा यो भाई कहीं भाग भाग ना जावे मुझे लग रहा भाई बाइक से ही पकड़ना पड़ेगा भाग गया वो तो ऐसे ही गया ये देखना भाई कितने दूर निकल गए उसे पकड़ते वे तो दिख भी नहीं रहे वे जा लिए भाई देखो कहाँ जा लिए चलता हूँ बाइक लेकर चलो भाई मेरे धर लो और गाइस से रोको देखो बाइक स्टार्ट होती है बाइक पर बैठूंगा तो गाइस पकड़ लिया फाइनली तो भाई भाग गया था लंबा टॉयलेट करो हाँ टॉयलेट करना वहां गया लद्दाख तू कह रहा टॉयलेट करना गया था इतनी दूर यहाँ मारता शर्मा गया था टॉयलेट करता हुआ यहाँ पे भाई हम लोग थे ना इस वजह से थोड़ा शर्मा आ गया आगे गया था टॉयलेट करने के लिए इनका कहना है भाई ये अचानक से हमारे चिंटू डॉन की भी एंट्री होगी यो तो भाई अभी अभी आया निकलो कहीं से शायद भाई हमारी बाइक के पीछे पीछे होगा हमने ध्यान नहीं दिया मैं भी तो कहूँ भाई रोक है आज हमारे साथ चिंटू डॉन क्यों नहीं आया क्योंकि भाई रोक और चिंटू की दोस्ती का तो सभी को पता जहाँ रोक वहाँ चिंटू रोक चिंटू की जोड़ी जैसे कील हथौड़ी सही कह रहा भाई दोनों की कील हथौड़ी जैसी है पर इसका तो कुछ मैच ही ना हुआ कील हथौड़ी का ओए कहाँ जा लिया इन दोनों का तो कुछ मैच ही ना हुआ पर चेहरी को देखो भाई उन्होंने बांध लिया क्या पता भाई इस बार पोटी करने निकल जा दूर कहीं जब भाई टॉयलेट करने वहां गया क्या पता भाई पोटी करने विदेश चले जा बात तो सही है यहाँ पे ना देखो ये क्या क्या करवा रहे चप्पल में ग्रिप लगवा दी वाह अब भाई गन्ने में ग्रिप लगवा दी कौन है रोको देखो भाई क्या लोट लगा रहा रहा कहाँ गया ये तो भाई आराम से गुलाटी कर रहा इनके तो भाई बढ़िया मजे आ रहे घास में देखना भाई तो गाइस अब घर वापस चलते हैं बहुत देर घूम फिर लिए और गाइस रोको देखो भाई पहले रेडी हो गया बैठने को बैठ गया भाई बैठ बस भाई रास्ते में ज्यादा दिक्कत ना हो तो अच्छा क्योंकि भाई चिंटू डॉन पैदल पैदल आने लग रहा क्या पता भाई चिंटू को दाबले डॉग से तो गाइस फाइनली आगे घर पे और गाइस पीछे रास्ते में सीन बन गया था क्योंकि भाई काफी सारे डॉग्स आ गए थे भोकते भोकते चिंटू तो भाई पीछे ही रहेगा अब भाई रोक को छोड़ के चिंटू को जाऊंगा बचाने के लिए वो भाई वापस खेत में ही भाग गया था तो गाइस रोक को तो छोड़ दिया ऊपर जा लिया भाई इन सबके पास लाता हूँ भाई अब चिंटू को ढूंढ गया तो गाइस मिल गया हमारा चिंटू डॉन भी बट भाई साहब तो सभी डॉग्स ने घेर रखा हाँ भाई कैसे चला पैदल तो भाई ले जाया बिन जाने का गाइस अभी चिंटू को देखो भाई कैसे कैसे बचा के ले जाना पड़ रहा है इस वाले रास्ते पे भी एक दिक्कत होगी सामने से भाई डॉग आने लग रहे ओए ओए इसी साइड डाली अच्छा तो जानी अच्छा जाओ नहीं नीचे उतरना पड़ेगा भाई बाइक पे से क्योंकि भाई अटैक कर देंगे ये तो भाई गलत फंस गए हम फंस गया मैं तो सोच रहा था भाई साइड डॉग नहीं मिलने के कोई ये तो इसी के पास वाले सारे के सारे बहुत मुश्किल से बचता बचता जाना पड़ रहा देखना भाई कैसे एग्रेशन कर रहे तो गाइस फाइनली एक मुसीबत से तो पार हो गए अब भाई आगे चलते हैं लेकर देखते हैं भाई कहीं ना कहीं तो सेफ रास्ता मिल ही जाऊंगा शिवम से बात करी वो भाई रोकी को लेगा इसी रोड पर जा रहा वो जाने लग रहा भाई शिवम रोकी को लेगा अब भाई कोई दिक्कत नहीं है टाइटर आगे से फिर भी थोड़ा खींच गया क्योंकि भाई चिंटू डर रहा इस साइड को हो जा कोई लुटका का चले जाएगा इसे थोड़ा पास पास सीधा मिला दे फिर डरने का नहीं अटैक ना करवा दे तू बस कुछ तो बेचारा वैसे डरा पड़ा चिंटू बस कुछ नहीं कहने का कुछ नहीं कहने का होगी भाई इनकी तो दोस्ती थोड़ी थोड़ी रोकी को खुला छोड़ दिया क्योंकि भाई रोकी के रहते हुए कोई डॉग पास नहीं आने का अब भाई चिंटू को सही सलामत वापस छोड़ करते हैं और गाइस रोकी वो आने लग रहा पीछे से मटकता हुआ देखना भाई चिंटू तो बिल्कुल बिंदास चल रहा है वरना भाई अब तक तो पूरा डरा डरा रहा था रोकी तो जा लिया घर अब भाई चिंटू को छोड़ करते हैं यहाँ तक तो भाई चिंटू ठीक ठाक आ गया आगे घर पर चिंटू को लेगा आज भाई चिंटू पूरा खुश हो रहा होगा क्योंकि भाई चारों तरफ साथ फंस गया था वो तो भाई सो कर रहा है पीछे से मिलेगा रोकी को घुमाता हुआ
वरना भाई बहुत मुश्किल हो जाती है चलाने में। तो गाइस अभी ना खाना वाना देऊंगा और गाइस आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे करता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।